भारत में मोजे होजरी आइटम में आने वाला प्रोडक्ट है, जिसका उपयोग पुरुष, महिलाएं, बच्चे और यहाँ तक कि छोटे शिशु भी प्रोटेक्शन पर्पज करते हैं। आमतौर पर मोजे दो अलग अलग टाइप में बनाए जाते हैं, एक कपास है और दूसरी नायलॉन है। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल मिस्टर मास्टर में। आज के इस वीडियो के माध्यम से आप जानेंगे कि सॉक्स का मैन्युफैक्चरिंग कैसे होता है, तो चलिए देख लेते हैं। अभी आप नीटिंग प्रोसेस देख रहे हैं, जहाँ पे अलग अलग यान से अलग अलग सॉक्स का निर्माण किया जाता है। ये पैटर्न नीडल्स है, जिसे अलग अलग पैटर्न के हिसाब से सेट किया जाता है, जिसकी मदद से सॉक्स पे अलग अलग पैटर्न डिजाइन किए जाते हैं। तैयार सॉक्स को कुछ इस तरीके से नीचे की तरफ वेट लगाया जाता है, जिसकी मदद से जैसे जैसे सॉक्स बनता जाता है, वैसे वैसे वो नीचे की तरफ निकल आता है। बने हुए सॉक्स को कुछ इस तरीके से बाहर निकालकर कट किया जाता है। अभी आप देख सकते हैं, ये पैटर्न नीडल सेटिंग है, जहाँ पे नीडल्स को पैटर्न के हिसाब से सेट किया जा रहा है। ये जो आप चेन देख रहे हैं, यहाँ पे सॉक्स की साइज सेट की जाती है। तैयार सॉक्स को कुछ इस तरीके से 12 के जोड़े में, यानी कि डजन के हिसाब से बांध दिया जाता है और इसे स्टिचिंग के लिए भेज दिया जाता है। ये यान है, जो कि अलग अलग डिज़ाइन और सॉक्स के टाइप के हिसाब से यूज किए जाते हैं। सॉक्स मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में यान की गिनती रॉ मटेरियल में की जाती है। आमतौर पे सॉक्स मैन्युफैक्चरिंग के लिए कॉटन यान, नायलॉन यान, इलास्टिक कवर्ड यान, एक्रेलिक यान, स्पेंडेक्स, वुलन आदि का इस्तेमाल किया जाता है। इसे सोइंग प्रोसेस कहते हैं, जहां सॉक्स को प्राइमरी स्टेज पे बारीकी से स्टिच किया जाता है। सोइंग प्रोसेस के बाद सॉक्स को फोल्डिंग प्रोसेस के लिए भेजा जाता है, जहां सॉक्स को फोल्ड करके स्टिचिंग किया जाता है। आफ्टर फोल्डिंग इसे प्रेस के लिए भेजा जाता है, जहाँ पे हर एक सॉक्स को मैन्युअली प्रेस किया जाता है।
प्रेस प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद सॉक्स को पैकिंग किया जाता है और बाद में इसे सेलिंग के लिए डिस्पैच किया जाता है। अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर कीजिए। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाना ना भूलिए। थैंक यू।